दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि दुधारू गाय भैंस के लिए मिनरल मिक्सचर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और विशेष तौर से जब वो पीक पे आ रही होती है या फिर ब्याने के बाद यानी कि बच्चा देने के बाद ही से मिनरल मिक्सचर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इसको खिलाने का जो तरीका है वो अगर सही नहीं रहा तो कई बार ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ नुकसान भी कर सकती है और कई बीमारियां पैदा कर सकती है। अब देखिए ये क्या फंडा है, मिनरल मिक्सचर नुकसान कब कर सकता है, इसके बारे में विशेष बात मैं आपको बताऊं, और वो ये है कि मिनरल मिक्सचर का कंटेंट क्या है। मिनरल मिक्सचर के जितने भी कंटेंट होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि उन्हें अगर हम भिगो करके रख देते हैं तब वो कंटेंट में परिवर्तन हो जाते हैं और वो परिवर्तन हमारे पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब वो परिवर्तन कैसे होंगे, कई भाई क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने एक महीने का आहार बनाया और उसी में मिनरल मिक्सचर को जैसे 2% 3% मिलाते हैं, वो मिला करके और रख देते हैं। वो रख दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस रखे हुए को भिगो के खिलाया जाता है तब होती है परेशानी की शुरुआत। तो हमेशा आप पहले से ही याद रखिए, अगर आप जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं अगर भिगो करके या पका करके दे रहे हैं, उस सूरत में किसी भी सूरत में ये जो दोनों कंडीशन है ना, भिगोने की या पकाने की, तो आप किसी भी सूरत में मिनरल मिक्सचर पहले से मिला करके नहीं रखेंगे। जब हम दाना मिश्रण बनवाते हैं या बनाते हैं उस समय पूरा रेशियो रहता है और पूरे रेशियो में मिनरल मिक्सचर को ऐड किया जाता है और करना भी होता है, लेकिन अगर आपने साथ में ही जो पिसवाया था उसी में मिला करके मिक्सअप कर दिया और फिर रख दिया, फिर आप उसे पका करके देते हैं या भिगो करके देते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको अगर आप सूखा दे रहे हैं, कई भाई सूखा भी देते हैं और कई भाई जो है वो पका करके भी देते हैं, तो अगर सूखा दे रहे हैं तो ये चल जाता है, लेकिन पका करके देना या भिगो करके देना, दोनों ही कंडीशन में अगर आपने मिनरल मिक्सचर पहले ही मिला दिया है तो वो नुकसान कर सकता है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि प्रोडक्शन के हिसाब से और पशु की कंडीशन के हिसाब से, भाई उसको हीट में लाना है एक कंडीशन, क्या उसकी क्रॉस या AI हो गई है दूसरी कंडीशन, और वो पीक पर आ रही है ताज़ा ब्याने के बाद तो तीसरी कंडीशन। तो तीनों ही कंडीशंस में मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा होती है वो अलग अलग रखी जाती है। हम जितना मिनरल मिक्सचर ताज़ा ब्याई हुई को देते हैं उससे थोड़ा सा कम ही हम प्रेग्नेंट को देते हैं। इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि आप अलग से मिलाइए, आपके पास जितने भी पशु हैं उनकी कंडीशन सबकी अलग अलग रहेगी, तो जिसको जितनी ज़रूरत हो खिलाते वक्त जब आप दाना मिश्रण खिला रहे हैं उस वक्त आप मिला सकते हैं। और आप अगर डेयरी बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर अगर डेयरी कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, अलग अलग ब्लॉक होंगे, हीपर्स अलग होंगी, ताज़ा ब्याई हुई अलग होगी, प्रेग्नेंट अलग होगी, प्रेग्नेंट दूध देने वाली अलग होगी, जिनको हीट में लाना है दूध देने वाली है वो अलग होगी, तो उनके हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मिनरल मिक्सचर को पहले से मिला के नहीं रखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको उसी समय मिलाना है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है A to Z ट्रेनिंग, जिसमें ऑल ओवर चीज़ों को समाहित किया जाता है, कोई भी पॉइंट पीछे नहीं छोड़ा जाता, वो ट्रेनिंग 5 तारीख से शुरू हो रही है, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, और रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उस पर विजिट करके डेयरी फार्मिंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।